ओ भाई, आरएस ने थोड़ा सा बेटर जंप किया था, लेकिन भाई यहाँ पे भाई ये आरएस तो गैस भाई छत पे रुक गई यार। ओ ओ ओ भाई, मुझे लगा था पीछे छू जाएगी, लेकिन यार अरे ओ ओ ओ ओ भाई छत पे आके रुकी, भाई सीधा छत पे आके रुकी, लेकिन भाई छत पे रुक नहीं पाएगी, मुझे मुश्किल लग रहा है। तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग? तो गाइस हम वापस आ चुके हैं जीने भाई के एक और वीडियो के साथ, तो अपनी इंडियन एसयूवीज वर्सेस सुपर एसयूवी की एक और वीडियो के साथ। और आज यार बहुत टाइम बाद गाइस आज हम करने वाले हैं यहाँ पे अपनी इंडियन एसयूवीज के साथ और सुपर एसयूवीज के साथ इंडिया गेट जंप चैलेंज। और यार कैसा दिखता है चैलेंज वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइस हमारा जो चैलेंज है गाइस वो कुछ ऐसा दिखता है भाई, ये है सामने रोड, और भाई सामने आप लोग देख पा रहे हो यार, ये है भाई अपना इंडिया गेट। और कितना बड़ा है ये मैं आप लोग को थोड़ा सा पास से दिखा दूँ। भाई यहाँ पे होने ही वाला है, मैं अपनी गाड़ियाँ गाइस यहाँ से जाने वाली, यहाँ पे हाई स्पीड बूस्ट लगे हुए हैं जिससे गाइस गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी और जंप लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। फिर यहाँ पे लगा है आगे जाके एक रैंप, और इससे लेनी है भाई जंप और पार करना गाइस इस बड़े से इंडिया गेट को। और इसके अंदर से नहीं निकलना भाई, इसके ऊपर से निकलना है गाइस, ये इसको पूरा ऊपर से पार करना, फिर भाई जो भी गाड़ी इसको पार कर जाएगी वो हो जाएगी अपने चैलेंज में पास। और यार अब यहाँ से ना साइज़ देखो भाई, इसका साइज़ गाइस लिटरली भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, तो शुरू करते हैं गाइस आज की इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर हमारी पहली गाड़ी गाइस ये अपनी भाई रेंज रोवर डिफेंडर, और देखते हैं गाइस डिफेंडर कैसा परफॉर्म करती है। भाई डिफेंडर काफ़ी वापस, और ये मेरा भाई बूस्ट, और बाप रे गाइस स्पीड देख रहे हो भाई डिफेंडर की क्या स्पीड हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा भाई डिफेंडर ने जंप अप किया, ये पार करेगी, अरे बाप रे पूरी फ्लिप। और गाइस डिफेंडर तो भाई यहाँ पे पार कर गई, काफ़ी बढ़िया तरीके चैलेंज किया। अब देखते हैं भाई नीचे गिर के क्या हाल होने वाला है इसका। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई भाई सीधा झाड़ के ऊपर गिरी, और भाई गाड़ी अपनी अभी भी स्टार्ट है यार, मतलब बच गई यार। और ये यहाँ पे गिरी भाई, इसको यहीं पे छोड़ते हैं फिलहाल गाइस। अपनी भाई रेंज रोवर तो भाई पार हो चुकी है, तो बढ़ते हैं गाइस अपनी अगली इंडियन कार की तरफ। तो गाइस जब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा की XUV 700 की, और गाइस अपनी XUV 700 यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगी। हाँ भाई ये गाड़ी पटाखे वटाखे नहीं मारती भाई, इतनी ज़्यादा दम नहीं है भाई अपनी XUV 700 में। तो लेट्स गो गाइस, देखते क्या होता है। स्पीड 220 की स्पीड इसने ले ली है, फिफ्थ गियर लगा, और क्या होगा देखते हैं भाई। और ये मारा भाई अपनी XUV 700 ने जंप, और ओ, 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 ओ नहीं यार अपनी XUV 700 गाइस जंप नहीं कर पाई, मुझे लगा था जंप करेगी, लेकिन अफसोस गाइस भाई इसकी तो भाई हालत ख़राब हो गई यार यहाँ पे आगे से। भाई देख रहे हो क्या हालत हुई है इसकी, तो मैं इसको तो भाई यहाँ पे साइड में पार्क कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये वाली गाड़ी तो यार अपनी आउट हो गई है। तो भाई बढ़ते हैं गाइस अगली गाड़ी की तरफ। तो गाइस जब बारी आती है यहाँ पे हमारी ऑडी Q7 RS की, जो कि भाई अपनी स्पोर्ट्स कार है, और देखते हैं गाइस अपनी RS यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और लाइट धीरे धीरे अपनी RS और 220, 22, 24, और भाई स्पीड थोड़ी सी स्लो मुझे इसकी भी लग रही है। और भाई मारा भाई अपनी RS ने जंप, ओ भाई RS ने थोड़ा सा बेटर जंप किया था, लेकिन भाई यहाँ पे भाई ये RS तो गाइस भाई छत पे रुक गई यार, गाइस छत पे रुक गई यार अपनी RS यार, मतलब ये ऑलमोस्ट होने ही वाली थी पार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइज इधर आके अटक गई। तो भाई अपनी RS बिना इसको भी फेल ही मार जाए, क्योंकि भाई जो भी गाड़ी ऊपर से निकलेगी ये शर्त थी ऊपर रुक जाएगी, भाई ये बिल्कुल भी नहीं था भाई शर्त में। तो इसको तो भाई मैं यहीं पर छोड़ने वाला हूँ गाइज, इसको भाई दूर से लॉस सैंटोस के लोग देखेंगे भाई कि ये गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर किसने करी है यार, देख रहे हो क्या ही पार्क हुई गाड़ी। तो भाई बढ़ते हैं अगली इंडियन कार की तरफ। गाइज जब बारी आती है यहाँ पर अपनी Scorpio S11 के, और देखते हैं गाइज अपनी Scorpio S11 यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है। और ये चल भाई अपनी Scorpio S11 140, 150, 170, 200, और भाई बूस्ट का पूरा फायदा उठा दी भाई। S11 की स्पीड देख रहा भाई कितनी ज़्यादा हो गई थी यार, इतनी ज़्यादा, ओ भाई ये तो पार कर गई गाइस काफ़ी आराम से अपनी Scorpio S11। तो यार भाई ये गाड़ी तो पास हो गई बहुत मस्त तरीके से, और ये गिरी नीचे, और भाई परफेक्ट लैंडिंग, ओ भाई एकदम सीधी आई गिरी भाई, DRL हेडलाइट भाई सब बच गए यार इसके तो, वाह भाई वाह, मतलब परफॉर्मेंस हो तो भाई अपनी S11 जैसी हो। फिलहाल भाई इसको भी छोड़ के भाई बढ़ते हैं अगली गाड़ी पे। गाइस जब बारी आती है यहाँ पे अपनी मर्सिडीज़ की G-Wagon की, और गाइस G-Wagon काफ़ी हैवी ड्यूटी कार है, मतलब बहुत भारी कार और बहुत महंगी है। और देखते गाइस G-Wagon यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली गाइस। ऑल लाइट ये चल रही G-Wagon, और लेट्स सी क्या होने वाला है भाई, बहुत तेज़ जा रही थी G-Wagon बहुत तेज़। और यहाँ पे भाई 230 की स्पीड थी अपनी G-Wagon की, और ओ एकदम टच करते हुए गई गाइस, एकदम टच करते हुए गई, मुझे एक पर को लगा था अपनी G-Wagon लड़ेगी, लेकिन यार ओ भाई क्या ही परफेक्ट लैंडिंग है यार, क्या ही परफेक्ट लैंडिंग है भाई, इस गाड़ी की जो लुक्स है ना यार अलग ही लेवल के लगते हैं। तो भाई इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो भाई अब बारी आती है अपनी बिग डैडी SUV की, तो बिग डैडी एकदम रेडी है, तो भाई चलते हैं गाइस बिग डैडी को लेकर, और देखते हैं गाइस बिग डैडी की स्पीड कितनी जाने वाली है। ओके ये चलिए भाई अपनी बिग डैडी, और देखते हैं क्या होता है। 230 ओ भाई स्पीड है भाई बिग डैडी की, स्पीड तो है, और ये मारी भाई बिग डैडी ने जंप,
और बिग डैडी भी कर गए यार। बिग डैडी मतलब बूस्ट है तो भाई अच्छी खासी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। और बिग डैडी उल्टी लैंडिंग करोगे क्या भाई पीछे, भाई पिछवाड़े के बल कौन लैंडिंग करता है यार। और देख लो भाई क्या हालत होगी बिग डैडी की पीछे। लेकिन भाई आगे से गाड़ी एकदम बढ़िया लग रही है यार, ये देख रहे हो यार। तो इसको भी यहीं पर छोड़ते हैं। तो गाइस जब बारी आती है यहाँ पे हमारी एक सुपर एसयूवी की, और गाइस ये है अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी। भाई कितना भी रेफ करो भाई कोई आवाज़ नहीं। फिलहाल लेके चलते हैं इसको और देखते हैं गाइस भाई कितनी साइलेंट है गाइस ये गाड़ी, कितनी ज़्यादा साइलेंट है। और यहाँ पे गाइस अपनी फोर्ड मस्टैंग मैश ई इलेक्ट्रिक ने मारी है जंप। और भाई ओ ओ ओ भाई मुझे लगता पीछे छू जाएगी, लेकिन यार एकदम परफेक्ट जंप। और यहाँ पे हुई है लैंडिंग। ओ भाई कांच टूट गए गाड़ी के सारे लेकिन भाई हेडलाइट्स एकदम फेड़िया है भाई इसकी। तो गाइस यहाँ पे भाई अपनी गाड़ी मुझे लगा था थोड़ी सी और आगे जाएगी यार, लेकिन यार शायद बैटरी ज़्यादा भारी है इसकी। खैर कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं गाड़ी पे। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ हमारी फोर्ड एंडेवर की, और देखते हैं गाइस अपनी फोर्ड एंडेवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाली गाड़ी कैसा परफॉर्म करती। तो गाइस ये चलती फोर्ड एंडेवर यहाँ पे। ऑल राइट देखते गाइस फोर्ड एंडेवर की जो परफॉर्मेंस भाई यहाँ पे कैसी रहने वाली। भाई स्पीड तो इसने अच्छी खासी पकड़ ली और लग रहा है भाई जंप तो हो जाएगी। ओके ये मारी जंप, और फोर्ड एंडेवर ने तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी जंप मारी है। और ये मैच ई से भी आई गई हो भाई, सीधा पत्थरों पे गिरने वाली हो इसके लगेगी लगता है। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ भाई पूरी उल्टी हो गई गाड़ियाँ। सीधी तो हो जा भाई, सीधी तो हो जा, अबे सीधी हो जा इंडिया भाई, चढ़ी जा रही है उसके ऊपर भाई। क्या ही सॉलिड गाड़ी है यार ये तो, इसको भी देख पाकर तो भाई बढ़ते हैं अगली गाड़ी पे। तो कैसे पारी आती है यहाँ पे हमारी हमर की, लेकिन हमर से पहले भाई मैंने इधर देखा भाई बवंडर सा उठ रहा था। खैर ओ फिर से उठ रहा, फिर से उठ रहा। अरे यार ये सब सीन भी होने लगे भाई GTA में, देख रहे हो भाई क्या ही आंधी तूफान आ रखा। अरे यार भाई इसमें क्या गाड़ी लेके जाऊंगा, मेरी गाड़ी उड़ेगी क्या? खैर गाड़ी लेके जाऊंगा तो पता नहीं गाड़ी मेरी वापस आए कि ना आए। तो यार देख रहे हो भाई टॉर्नेडो हो रखा है पूरा। खैर इसको इधर ही छोड़ते हैं, कैसे चलते हैं अपने चैलेंज की तरफ। भाई टॉर्नेडो भाई मुझे ना उड़ा दियो भाई, मेरी गाड़ी यहीं खड़ी है, उड़नी चाहिए एक भी। तो फिलहाल बैठ लेता हूँ। अभी सीधी हो यार, इतनी लंबी गाड़ी है ना यार, इसको तो मतलब चैलेंज के लिए तैयार करना भी एक टास्क ही रहता है यार। ओके तो लेके चलते गए थे यहाँ पे अपनी हमर को, रेव करते हैं इंजन को। भाई बहुत भारी गाड़ी है तो उम्मीद तो मुझे बहुत ही कम लग रही है यार। देखते हैं फिर भी क्या होता है। 120, 140, 150, 170, 200 अब लग रहा है भाई, अब लग रहा है होगा गाइस। 230 हो गई, 230 हो गई, अब क्या ही जंप करेगी। अरे 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 ओ ओ ओ ओ भाई छत पे आके रुकी भाई, सीधा छत पे आके रुकी। लेकिन भाई छत पे रुक नहीं पाएगी मुझे मुश्किल लग रहा है। ओके एक फ्लोर नीचे, अरे पूरा 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 नीचे गए गाइस, पूरा नीचे गए। तो गाइस यहाँ पे हमारी हमर यार ये भी यार अपने चैलेंज यार आउट हो चुकी है, तो इसको भी इधर से हटा देते हैं। तो गाइस अब बारी आती थी अपनी महिंद्रा थार की, और थार से तो यार मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो देखते हैं गाइस थार यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। और ये चली गाइस थार, देखते हैं क्या होता है। और भाई 230 है इसकी स्पीड, ज़्यादा तो 240 हो गई। अब तो होगा, अब तो होगा, अब तो होगा भाई। ये थार यार, थार ना करे ऐसा हो सकता है क्या? क्या मस्त परफॉर्मेंस थी यार थार की। और ये गिरी थार की पत्थर, अरे 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 बैक आ गई भाई वापस। भाई ये कैसा हुआ भाई, इस पत्थर पे गिरी थी यार। तो फिलहाल भाई यहाँ पे थार जो भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से चढ़ती, मतलब चढ़ तो रही है यार, चैलेंज तो अपना कर गई है। फिलहाल भाई ये हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं थार के साथ, क्योंकि भाई थार जब हाथ में आती ना थार तो मन करता है भाई कहीं भी चढ़ा दो इसको। तो फिलहाल भाई इसको भी यहीं पर पार्क करते हैं। गाइस जब बारी आती है यहाँ पे अपनी रेंज रोवर की, और काफ़ी दमदार अपनी रेंज रोवर। और देखते हैं गाइस रेंज रोवर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है, और स्पीड देखते हैं गाइस कितनी जाती है रेंज रोवर की। 230, 234, 235, 240 तो नहीं गई। और ये उल्टी जंप कैसे मारी रेंज रोवर ने भाई, अरे बाप रे यार। ये गाइस गाड़ी फ्लिप कर गई पूरी पूरी यार। रुक जा भाई, तू भी यार यहीं पे रहने वाली है भाई, तेरा भी पोस्टर छपवाएंगे भाई यहाँ पे, गड़ा करते हैं इसको। तो गाइस रेंज रोवर तो फिलहाल भाई अपनी फेल हो गई, मतलब कि दो सुपर कार्स अपनी जो सुपर एसयूवीज थी भाई दो फेल हो चुकी हैं। और अगर इंडियन की बात की जाए तो भाई अभी तक एक ही फेल हुई है, जो कि वहाँ पे नीचे खड़ी आपको दिख रही है। फिलहाल आगे कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगली गाड़ी पे। तो कहते पारी आती थी अपनी MG हेक्टर की, और भाई इस गाड़ी पे मुझे थोड़ा सा डाउट तो हो रहा है। तो देखते हैं अपनी MG हेक्टर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। और लाइट ये चले अपनी MG हेक्टर, और लेट्स सी गाइस क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। 236 और गाइस अपनी MG हेक्टर तो कर गई भाई, MG हेक्टर कर गई। मतलब मुझे लगा था अपनी MG हेक्टर शायद से ना कर पाए, लेकिन ये भाई कर गई। और ये हुई है लैंडिंग, काफ़ी बुरी की गाड़ी हो गई है पूरी टेढ़ी। फिलहाल गाइस मेन बात, मुद्दे की बात, चैलेंज जो हो चुका है तो इसको भी यहीं पार्क करते हैं। तो भाई अभी बारी आती है यहाँ पे अपनी AMG GL63 की, और भाई मुझे मुश्किल लग रहा है इसका, मैं सच बताया मुझे मुश्किल लग रहा है। शायद से अपनी ये वाली गाड़ी नहीं करने वाली, क्योंकि ये वैसी गाड़ी है नहीं जैसा हम लोग चाह रहे हैं इससे करवाना, मतलब ये उछल कूद वाली गाड़ी है नहीं। लेकिन फिर भी भाई देखना तो फर्ज बनता ही है क्या होने वाला है इसके साथ।
ओके GL63 कर गई। ओहो क्या ही किया है इसने यार, मतलब उम्मीदों पे खड़ी उतर गई। मतलब उम्मीद तो मेरी गिरने की थी इससे, लेकिन यार अपनी उम्मीदों पे खड़ी उतर गई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो बढ़ते हैं गाइस अगली गाड़ी पे। जब बारी आती है तो अपनी टाटा हैरियर की, तो लेट्स सी गाइस हैरियर की परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी रहने वाली है। ओके 100, 130, 160, 200, और भाई काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 204, 238 तक गई है, और लग रहा है कि ये निकलेगी। और निकल गई भाई, कैसे हिलती डुलती गई ये गाड़ी। और यहाँ पे गैस अपनी टाटा हैरियर यार अच्छी खासी जब मारी है इसने, रुक जा रुक जा रुक जा, और क्या परफेक्ट लैंडिंग गैस। तो इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं गैस, बढ़ते हैं गैस अपनी सुपर एसयूवी की तरफ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे लैम्बोर्गिनी उरुस की, और गैस अपनी उरुस की जो परफॉर्मेंस गैस वो कैसी होने वाली। और ये चली गैस उरुस, और ये बहुत तेज़ जाने वाली है आई थिंक यार, ये तो बहुत तेज़ जाने वाली है। 200, 230, 240, 250, 260 बढ़ती जा रही है स्पीड। और यहाँ पे उरुस की जो जंप है यार ये काफ़ी लंबी होगी मुझे लग रहा है यार, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे ये गिरी गाइस डिफेंडर के पास, यहाँ पे ओ सीधा गिर के जंप मारा है इसने। और उरुस तो यार इसको तो पास होना ही था यार, मतलब ये कैसे नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या। तो पढ़ते हैं अगली गाड़ी। गाइस अब बारी आती है यहाँ पे हमारी टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, और लेजेंडर की जो परफॉर्मेंस यार कैसी होती है, लेजेंडर तो करेगी मुझे इसका पूरा भरोसा है। और स्पीड इसकी 230 जा चुकी है, 240 भाई 240, 250 तक गई थी अपनी लेजेंडर पर, बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस। और यहाँ पे आज अपनी लेजेंडर यार, ये तो भाई यार अलग ही लेवल की गाड़ी है, और अपनी लेजेंडर भी यहाँ पे हो गई है पास। अगर अब बात की जाए कि कौन सी गाड़ियाँ फेल हुई हैं, तो भाई उसकी बात करते हैं पहले। वैसे आप लोगों को पता ही होगा भाई, यहाँ पे जो अपनी सुपर एसयूवीज दो फेल हुई हैं, अपनी इंडियन एसयूवी एक ही हुई है, तो गाइस देखते हैं कौन सी है। तो गाइस यहाँ पे आप देखो भाई, अपनी ऑडी Q7 एक फेल हुई है, और गाइस एक गाड़ी फेल हुई है यहाँ पे अपनी रेंज रोवर, और एक गाड़ी और भी फेल हुई है गैस, कहाँ गई ये रही भाई अपनी हमर भाई, तीनों भाई बहुत हैवी गाड़ियाँ थी। तो गैस ये गाड़ी अपना चैलेंज नहीं कर पाई, यानी कि भाई तीन अपनी सुपर एसयूवीज़ फेल हुई हैं। अगर इंडियन एसयूवीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे खाली भाई अपनी एक ही गाड़ी फेल हुई है, जो कि है भाई अपनी महिंद्रा की XUV 700। और इसी के साथ गाइस आपको पता लग गया होगा कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं आज के चैलेंज में। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं, टेक केयर।